लगा, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। Poquito, poquito español, poquito, poquito English. Sí, yeah, yeah. Sí, sí. सुबह सुबह की शुरुआत कुछ अच्छे लोगों के साथ। Mi nombre es Warren. Tu nombre? Warren. Warren. Mi nombre Varun. 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 Así que, ¿qué va a decir Varun? Así me dicen a mí, Varun. Thank you. Bye bye. Bye. Ay, कितनी अच्छी है। Adiós. Adiós. साढ़े बारह हो रहे हैं इस वक्त और मैं जा रहा हूँ, अभी एक टाउन आएगा बारह होना। खैर मुझे जाना है बहिया दे लास अगिलास। कैसे मैं फ्लुएंटली ये नाम बोलने लगा हूँ, होता है कुछ दिनों के बाद में वहाँ के रीजनल नाम, भाषा, उस भाषा के शब्द चढ़ने लगते हैं जुबान पर। गाड़ी साइड में रोक के नारियल पी रहा हूँ। थैंक यू, ग्रेसियस। Ay, eso brinca, eso brinca, eso brinca, eso brinca. ये हैं 100 के तीन। कार अपनी वहाँ खड़ी कर दी है। ये जो बस गई है ना, ये थी करीबे टूर्स की। ये बेसिकली पूरे इस कंट्री में चलती है, बड़ी फेमस है ये वाला जो टूर एजेंसी है, करीबे टूर्स। पानी अति मीठा है, बहुत अच्छा है। हेलो, होला, होला, नॉम्ब्रे, 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 हाँ, अभी मैं नॉम्ब्रे आली, नॉम्ब्रे, आली, अभी मैं जामन फोस, हम्म, जामन फोस, आह वैसे तो ऑन यू टेबल में, हम्म, ऑन यू टेबल में, ओह, ओके, 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 क्या हूँ, हम्म, क्या हूँ नाम बता अपना। बच्चा सिंह फॉर्मर है। हम्म, बच्चा नहीं, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? रुलर चेंज रुलर। तेरा नाम क्या है? शे 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 है, मेरा बेटा। हम्म, शे या तेरे। ना फोटो ना ते 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 Ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta.
Adios. Ciao, bye. ऐसे ही चलते चलते कुछ नज़र आया, कार यहाँ पार्क कर दी एक पेट्रोल स्टेशन पे, पेट्रोल भर रहे थे। मैंने तो कहा भैया थोड़ा सा यार एक सामने बड़ा सुंदर बीच वो समुद्र है, क्या मैं आपके यहाँ कार पार्क कर दूँ 2 मिनट के लिए? तो समझ सा नहीं आया, फिर मैंने दोबारा से धीरे 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 मैंने कहा बस पुर फॉर 5 मिनट कार पार्क बीच फोटो। तो उसने कहा ओके, बीच दिखाता हूँ, अमेजिंग है, दूर से दिख रहा है सफ़ेद रंग का पानी, बहुत ही सुंदर लग रहा है। समुद्र का ये रंग मैंने पहले कभी नहीं देखा, टर्कोइज ब्लू, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये, दूध जैसा पानी। पर हर बीच घूमने के लिए नहीं होता, यहाँ पर काफ़ी पथरीला है ये, इसलिए टूरिस्ट यहाँ नहीं है और धूप भी खैर बहुत ज़्यादा ही तेज़ है, बहुत ज़्यादा ख़राब है सड़क यहाँ पर, इसीलिए टाइम ज़्यादा लगता है यहाँ इस जगह पर पहुँचने में, इसलिए टूरिज़्म भी शायद ज़्यादा नहीं है क्योंकि सड़क ख़राब है। 4:15 हो रहे हैं शाम के, अभी गूगल मैप्स के हिसाब से मैं करीब 43 किलोमीटर्स दूर हूँ और ये 43 किलोमीटर करने में मुझे 1 घंटा 4 मिनट लगेंगे और मैप इस वक्त ऑफलाइन है क्योंकि नेटवर्क यहाँ नहीं आ रहा है। पेदरनालिस लास्ट कस्बा है या टाउन है या शहर है इस डायरेक्शन में इस देश का, और उसके बाद शुरू हो जाता है इसका पड़ोसी देश हेती। और हेती के बारे में अगर मैं कहूँ तो हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक के रिलेशंस कुछ ऐसे हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस, जैसे इंडिया और पाकिस्तान। थोड़ा सा थक गया हूँ इस वक्त मैं, क्योंकि ये रास्ता है तो वैसे ठीक पर बीच बीच में वो बड़े अजीब अजीब से जो गड्ढे, गाँव, सड़क कहीं ख़राब थी तो वैसा था। अब अगर बड़ी हैरानी हो रही है, बिल्कुल एरो स्ट्रेट रोड्स हैं और ट्रैफिक भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया, बहुत अच्छा है। अमेजिंग लैंडस्केप है ये, दोनों तरफ इतने झाड़ी जैसे पेड़ है। एक्चुअली मेरे लेफ्ट साइड में ये तो सारा एरिया ना गूगल मैप्स में ये पूरा ग्रीन है, सो बेसिकली एक यहाँ पर एक पार्क है, ये नेशनल पार्क जैसा है ये सारा एरिया, नहीं नेशनल पार्क जैसा नहीं, नेशनल पार्क ही है, नाम तो मुझे पता नहीं है, और यही वजह है शायद यहाँ पर गांव नहीं है, इतनी बसावट नहीं है, आबादी इस पूरे इलाके में इतना हरा है। बहुत देर से ये यही सिलसिला चले आ रहा है, इधर हरा और सड़क बीच में से जा रही है, सड़क छोटी है बहुत, ट्रैफिक भी नहीं है। मैंने लेफ्ट टर्न ले लिया है उस सड़क से और ये सड़क बहुत ख़राब है, गड्ढे हैं काफ़ी ज़्यादा, बट यहाँ से इस टर्न से कितना
18 किलोमीटर और है, पता नहीं ये सड़क 18 किलोमीटर तक ऐसी है या कैसी। शाम के 6 बज रहे हैं, फाइनली पहुंच गया। जगह का नाम है रांचो टिपिको कुएवा दे लास आगुइलास। व्हाट इज योर नेम? कार्लोस। वेनेसोलानो। वेनेसोलानो? सी वेनेसोलानो। ओके, इंडिया। ऑलराइट ऑलराइट। या तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो आज यहां पर ग्लैम्पिंग करनी है। ग्लैम्पिंग मतलब कैंपिंग का थोड़ा सा लग्जरी वाला वर्जन है, इज कॉल्ड ग्लैम्पिंग। ये मेरा मतलब वो जगह है जहाँ पर डोमिनिकन रिपब्लिक का झंडा। सो डू आई हैव टू ओके, तो ये राखी बांधी जा रही है मुझे। परफेक्ट, तो थैंक यू वेरी मच। शाम के 6 बज रहे हैं, तो इस वक्त व्यूज बड़े अच्छे हैं, सनसेट। I wonder if you hear me, 'cause I've been calling out. I wanna have you near me again, I wanna have you close. टाइम क्या हो रहा है पता नहीं, क्योंकि इस वक्त घड़ी मेरे पास में नहीं है, टाइम का कोई अंदाज़ा नहीं है। मैं असल में जा रहा हूँ, क्या हो रहा है, मैं जा रहा हूँ बाहिया दे लास आगुइलास, जो एक्चुअली बीच है वहाँ। ये तो कुएव कुएव क्या बोलते हैं स्पैनिश में, वो जगह थी। टेंट अपना बंद कर दिया, लॉक वगैरह कुछ है नहीं। जो पासपोर्ट था वो मैंने रख दिया अपनी अपनी कार में, लॉक कर दिया। अभी अपनी जेब में मेरी एक तौलिया है, एक शॉर्ट्स है, ड्रोन ले लिया, कैमरा, बस अब मैं चलता हूँ उस तरफ। वहाँ जाके बोट रेंट पे लेनी है, रेंट का हिसाब किताब क्या बता देता हूँ आपको अभी। अभी ये जो जनाब है यहाँ पर, जो मैनेजर हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक सामने वो है, एक जो नेशनल पार्क का एक कुछ तो ऑफिशियल मतलब नेशनल पार्क का एक काउंटर है जिसकी टिकट लेनी ज़रूरी है, और वो है 150 पेसोस पर पर्सन, 150 पेसोस पर पर्सन। वो बेसिकली एंट्री टिकट है इस नेशनल पार्क के लिए। तो जो वो जो ये जो बीच है ये बेसिकली प्रोटेक्टेड है, एक नेशनल पार्क एरिया में है। ये है सारा आसपास का हिसाब किताब। फॉर टिकट आपके पास अगर 4x4 है ना, 4x4 व्हीकल है, अगर 4-व्हील ड्राइव, तो अपनी गाड़ी से भी कोई ना कोई रास्ता है यहाँ से उस बीच तक जाने के लिए, नहीं तो नाव से जा सकते हैं। ये भी राखी बांधेंगे ओके, शायद वो ये पूछ रही है कि ढीला टाइट तो नहीं।
इस बीच का नाम है बाहिया दे लास अगिलास। कहते हैं कि दुनिया के जो सबसे क्लीनेस्ट और जहाँ पर कोई नहीं रहता है, और एक्चुअली यहाँ कोई नहीं है, नेशनल पार्क का हिस्सा है, इसलिए यहाँ आने के लिए मैंने 150 पैसोज की टिकट दी है, मतलब नेशनल पार्क की एंट्री फ़ी। और सिर्फ टूरिस्ट हैं यहाँ पर जो परमिशन लेकर आए हैं, यानी जो टिकट लेकर आए हैं मेरी तरीके से, टिकट मतलब ये। इस पेड़ की शरण में आ गया हूँ, यहाँ थोड़ी सी छाया है। अरे ये क्या चीज़ है, ये फल किस तरह के थे। खैर थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा, मेरी बोट में जो कुछ और जीव जंतु, कुछ और जब मनुष्य सवार थे वो भी यहीं आसपास हैं, मेरी तरफ़ देख भी रहे हैं, कुछ तो विदेशी हैं, तो मैं तो यहाँ एकांत में आके बैठ गया, वो भी एकांत में ही हैं। एक महिला हैं, एक पुरुष हैं और एक महापुरुष हैं। महापुरुष मतलब मैं। वो लोग तो स्नॉर्कल वगैरह भी लेके आए हैं, समझ में आई। बहुत पास में ना आवाज़ चली जाएगी, सोचेंगे हमारे बारे में बात करने लग रहा है छोरा। समय समाप्त, 10 मिनट की ये राइड थी हार्डली। वो एक और आ गई बाकी सवारियों को लेके। ये सारा का सारा जो आज आपने देखा, इसका जो टोटल खर्च आता है 2700 रुपीज़ हैं बोट ट्रिप के। आप चाहें तो अगर फोर व्हील ड्राइव है आपके पास, कोई कार है, तो आप उससे भी यहाँ से जा सकते हैं वहाँ बाहिया दे लास अगिलास तक। 150 रुपये पर पर्सन आपको टैक्स देना होगा जो इस नेशनल पार्क में एंट्री के लिए है। तो ये वाला जो ट्रिप था इसे करते हैं ख़त्म, बाहिया दे लास अगिलास वाला। और अब मैं एक्चुअली अपनी शॉर्ट्स पहनूंगा और इस कैमरा को कुछ देर के लिए विराम दूंगा, और मैं जा रहा हूँ इस पानी में। To you.